Hello everyone, welcome to this channel Government Jobs Vision. Today I am going to discuss expected cutoff of Coal India 2020. First of all, I will announcement for you friends. Now I am going to upload GS sections video based on polity, history and geography in a very short duration with covering important sections in each from where question asked in your exam. If you don't have knowledge about GS sections like polity, geography, history and all, then you have to, you should not leave this video, and I will make all sections very easy for you in short videos. Polity, I will cover all important topic in 5 to 6 videos only. Then you have to watch all video and you very easily understand polity subjects. Like and history will I will make in around 8 to 9 videos. Then if यदि आप अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मैं अब जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप उसको वीडियो वाइज आप प्रिपेयर कर सकते हो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी. सो स्टार्ट करते हैं. अब हम देखते हैं आपका जो कूल इंडिया 2020 का एग्जाम हुआ है. मुझे रिस्पॉन्स कुछ आ गए हैं क्वेश्चन के, तो मैं उस पर मैंने कट ऑफ तैयार किया है, तो स्टेप बाय स्टेप हम उस पर उसको डिस्कस कर लेते हैं. अब क्या आपका एक्सपेक्टेड कटाव होगा 2020 का कोल इंडिया का, मैंने सभी ब्रांचेस के लिए लगभग बना दिया है. तो अब देख लेते हैं, पहले कुछ सेक्शन देखते हैं क्या सेक्शन इस बार आए हैं, क्या टफनेस था पेपर का. तो पहले हम बात करेंगे टेक्निकल जो आपका था टेक्निकल सेक्शन प्रीवियस जो आपका 2017 में एग्जाम हुआ था एज इज इट था. वो भी आपका 2017 का भी टेक्निकल मॉडरेट इजी था, इस बार भी आपका टेक्निकल बहुत इजी आया है. ठीक है, तो इसमें आपका कोई वेरिएशन नहीं टेक्निकल में देखने को मिला. बट इन एप्टीट्यूड सेक्शंस दिस टाइम इज वेरी क्वेश्चंस आस्क वेरी हार्ड लेवल वाज एप्टीट्यूड इज वेरी हार्ड. ओके, इन 2017 एप्टीट्यूड आर मॉडरेट यू कैन से. रीजनिंग सेक्शन ऑल्सो वेरी हार्ड एंड मॉडरेट, and GS current will be moderate. I think from मुझे questions जो मिले हैं उससे मुझे ऐसा लगा कि आपके GS current लगभग moderate थे. अब English section आपके बहुत easy लग रहे थे, क्योंकि एक student ने बताया कि आपका जो English section था as previous year जो आपका question आया था उससे भी थोड़ा सा easy था आपका. तो उस इस इन सभी को चीज को देखते हुए, इन सभी स्टेप को देखते हुए मैंने आपका कट ऑफ तैयार किया है. तो देखते हैं क्या आपका कट ऑफ हो सकता है, क्या होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020 के लिए कोल इंडिया के लिए. ओके, आपकी वैकेंसी डिटेल 2017 में अराउंड 1316 पोस्ट थी, 19 में 1326 पोस्ट थी. तो अगर आप देख सकते हैं तो आपकी जो वैकेंसी है थोड़ी सी इंक्रीज हुई है इस बार की. ठीक है, तो आप इससे, लेकिन इस बार क्या हुआ, पिछली बार आपका कंपटीशन नंबर ऑफ स्टूडेंट कम थे, इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े हैं. ठीक है, तो ये है आपके कट ऑफ. आपका जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच होगा आपका, ये मैंने जो लिखा है वो आपका 2017 का कट ऑफ है. आपका 2017 कट ऑफ कितना था जनरल के लिए, 161 फॉर जनरल था. तो इस बार आपका जाने के चांसेस जो आपके इलेक्ट्रिकल के हैं 140 to 150 जाने के चांसेस है, क्योंकि इस बार कट ऑफ सबके घटेंगे, क्योंकि पेपर का टफनेस इस बार हार्ड था. फॉर ओबीसी 154 गया था ओबीसी के लिए, इस बार आपका 135 to 145 के बीच में अराउंड रहने वाला है. एससी के लिए आपका गया था 144 इन 2017, इस बार आपका 130 अराउंड जाएगा. 143 था 2017 में, इस बार 125 प्लस जाएगा. सिविल के लिए आपका 2017 में गया था 159 फॉर जनरल, इस बार आपका जाएगा 145 to 150 आपका अप्रॉक्स जाएगा. इसमें भी आपका कट ऑफ नीचे जाएगा. 144 गया था ओबीसी के लिए, इस बार 145 प्लस जाएगा. 147 गया था 2017 में एससी के लिए, इस बार आपका 140 प्लस के अराउंड रहने वाला है.
141 गया था 2017 में एसटी के लिए, इस बार 130 अराउंड आपका कट ऑफ एसटी के लिए रहेगा। अब मैकेनिकल देखते हैं, मैकेनिकल में भी आपके जो कट ऑफ है नीचे जाएंगे, 170 गया था फॉर जनरल, इस बार 165 प्लस जाएगा फॉर जनरल, 170 गया था ओबीसी के लिए, इस बार 160 अराउंड रहने वाला है, और 161 गया था एससी के लिए 2017 में, इस बार आपका 155 प्लस रहने वाला है, और आपका एसटी के लिए गया था 156 इन 2017 फॉर एसटी, बस इस बार आपका 145 के अराउंड आपका कट ऑफ रहने वाला। इसका मतलब हम इस चार्ट से देख सकते हैं कि आपका जो कट ऑफ होगा अराउंड 5 to 10 मार्क्स डिक्रीज होगा। तो अगर आपका पेपर सही गया है तो आपको, अगर आपके मार्क्स लग रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन सही हुए हैं, इसके प्रॉक्स हैं, तो आपको आराम से टेंशन नहीं लेना है, आपको आपका सिलेक्शन, आपको रिस्पॉन्स शीट आएगा तो आपको पता चल जाएगा, आपको उससे कट ऑफ और क्लियर हो जाएगी, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अब जिसके जिन फ्रेंड्स के पेपर अच्छे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि उन्होंने कितना अटेम्प्ट किया है और कितना उनको क्या पेपर देने के बाद कैसा उनको क्या लगता है। ठीक है, और जिनके पेपर नहीं अच्छे हुए हैं वो भी अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चंस जरूर मुझे मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे पता चल पाएगा कि फ्रेंड्स ने कितने, सभी फ्रेंड्स ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्या क्वेश्चंस का लेवल था, और जिसको जो मुझे रिस्पांस मिला है फ्रेंड्स के द्वारा, मैंने उसके थ्रू ये चार्ट तैयार किया है। तो हो भी सकता है इसमें वेरिएशन आ सके, तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, आप प्लीज़ मेंशन योर अटेम्प्टेड क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स। ओके, और मैं पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की अब शॉर्ट वीडियोज आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिससे आप, अगर आपके पास तनिक भी थोड़ी सी आपकी मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी बैकग्राउंड बहुत वीक है, तो आपको ये वीडियो नहीं मिस करना चाहिए, कि मैं आपका 4 to 5 वीडियोज में, अराउंड 5 वीडियोज में पॉलिटी सेक्शन कवर करूंगा, जो आपको इंपॉर्टेंट वाली होंगे, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वही कवर करेंगे। हिस्ट्री भी आपका 8 to 9 वीडियोज में कवर होगा, ज्योग्राफी भी अराउंड 9 to 10 वीडियो का कवर करूंगा। आई विल कवर all this section step by step in with short tricks. If you have little bit knowledge about this section, then you have to watch these videos. Okay friends, तो ये था आपका इस वीडियो में जो भी है, और अगर आपको अभी तक अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो मैं प्रोवाइड वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और यदि आपको मेरा कटअप एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि वीडियो सही लगी हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग दिस।